है, लेकिन कैसे? उसने अपने जूते से कुछ पीले रंग की गैस निकली, उसके बाद उसे पकड़ा एक सांसद ने, तो यहाँ तक बताया कि हमने उस लड़के को पीट भी दिया। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जबकि ये शख्स अंदर गया तो इसके जूते में इसने ये टीयर गैस या फिर इसे स्प्रे कह लीजिए ये छुपा रखा था, और जैसे ही इसने अपने जूते से बाहर निकाला तो पीले रंग की ये गैस छोड़नी शुरू कर दी। हालांकि मकसद क्या रहा इस बात की जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन शालिनी ये बहुत ही चिंताजनक विषय है क्योंकि लोकसभा संसद की सुरक्षा में चूक का ही बड़ा मामला। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, यही वो बार बार कह रहा था। सांसद इस तरह की बातें बता रहे हैं और सुरक्षा बल जब उसे पकड़कर बाहर जाते हुए दिखाई दिए तो यही पीले रंग की गैस उस वक्त भी निकल रही थी जो इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई भी दे रही है। सांसद यही कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में ये बहुत बड़ी चूक जरूर हुई है। अब इस लड़के का मकसद क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे वो कूद करके आगे आया और सीधा अध्यक्ष की जो कुर्सी तक वहां तक पहुंचना ये चाह रहा था, इसका मकसद था। हालांकि बीच में ही सांसदों ने इसे रोक लिया। एक सांसद ने ये बताया कि जैसे ही उसने ये देखा कि हम उसे पकड़ने को आ गए, उसी वक्त उसने अपने जूते से वो पीले रंग की जो गैस थी वो निकालना शुरू कर दिया, जो अंत तक याद देखिए जब ले करके उसको सुरक्षा बल जा रहे हैं उस वक्त तक निकलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। और एक ही नारा अंकिता, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। और इस बीच दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, एक तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से पीला धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वही तस्वीर आपको लोकसभा के अंदर की भी दिखा रहे हैं। लेकिन जब ये शख्स कूदा था, बिल्कुल दूसरी तस्वीर में आप देखिए तो मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल उस टाइम पर चेयर पर बैठे थे, यानी कि उनके ठीक बगल में, वो सकपकाकर उठ पड़े और उसके बाद वो एक रो को क्रॉस करता हुआ दूसरी रो में गया, फिर तीसरी रो में गया और उसके बाद पूरे लोकसभा में पकड़ो पकड़ो के नारे गूंजने लगे। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि भगदड़ की स्थिति नहीं हुई क्योंकि 08 चल रहा था, 1 बजे का समय था, तमाम सांसद संसद से बाहर थे। लेकिन दो तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से संसद की सुरक्षा में बड़ी ये चूक है। प्रताप सिन्हा जो कि मैसूर के सांसद है उनका ये रिलेटिव बताया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो तमाम प्रोसीजर है किसी सांसद के साथ किसी अतिथि के किसी गेस्ट के आने का भी, उस पर भी क्या ध्यान नहीं दिया गया है। और जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो काफी ऊंचाई पर, जैसा कि हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी बता रहे थे, दर्शक दीर्घा या फिर मीडिया के बैठने की जगह होती है, ऐसे में शालिनी ये हिमाकत इस शख्स की इतनी ऊंचाई से वहां कूदने की और नारे लगाने की। बिल्कुल अंकिता, और एक चीज यहाँ पर और ध्यान देनी होगी, जैसे इसके पहले अमिताभ बता रहे थे कि एक रुमाल तक अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होती है, आप अपनी जेब में रख करके कॉइन भी नहीं जा सकते, इन सभी बातों से ये लड़का जरूर परिचित रहा होगा क्योंकि तभी तो जूते के अंदर वो गैस छुपा करके ये अंदर पहुंचा ताकि नारा भी लगा सके। और ये जो वहां पर प्रदर्शन करना चाह रहा है या ये जिस तरह से गैस इसके जूतों में निकली ये बहुत बड़ी बात ही जानता था कि जेब में रखकर तो कुछ अंदर पहुंचा जा नहीं सकता है, एक सिक्का भी लेकर कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ऐसे में सबसे सुरक्षित शायद इसको जो नजर आया होगा वो जूता नजर आया होगा। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं बाहर निकले सांसद जिस तरह की बातें बता रहे हैं उन्हें सुनकर इन तस्वीरों को देखकर ये हम समझ सकते हैं कि लड़का पूरी तैयारी के साथ आया था और इसे पता था कि कैसे मौके का फायदा उठाकर अंदर कूदना है। और इसे शायद बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये किया होगा क्योंकि देखिए आज ही संसद पर हमले की बरसी है, 2001 में संसद पर हमला हुआ था उसकी बरसी है, बाकायदा शहीदों जो उसमें मारे गए थे उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी, तमाम गणमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद के बाहर मौजूद थे। और ऐसे में आज का दिन चुना जाना इस शख्स के द्वारा जाहिर तौर पर ये दिखाता है कि सोच समझ कर ये जो अटैक है या ये जो हरकत की गई है वो सोच समझ के पूरी सोची समझी रणनीति के तहत की गई है। शालिनी तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों को समझाएंगे, ये देखिए यहां से ये लड़का कूदता है और कैसे फटाफट ये कुर्सियां लांगते लांगते आगे की ओर जाने की कोशिश करता है। और फिर देखिए ये चारों तरफ से सांसदों ने इसे घेर लिया, इधर एक उधर दूसरा तीसरा चौथा, जब सभी सांसदों ने इसे घेर लिया यहां पर ये लड़का रुक जाता है। मंशा इसकी थी आगे तक जाने की, जैसे ये फटाफट कूदा था इसकी मंशा आगे जाने की थी, लेकिन जैसे ही सांसदों से इसने घेरते हुए खुद को पाया उसके बाद इसने अपने जूते से वो जो गैस अंदर ये लेकर के गया था वो छोड़ी। और ये आपको बताएं ये यहां से भागते भागते अंदर जाने तक लगातार ये लड़का एक ही नारा बोल रहा था, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। और देखिए किस तरीके से वो अपना जूता निकालता और पहनता हुआ दोबारा दिखाई दे रहा है। लेकिन अमिताभ जी आपका रुख करेंगे, हमें ये समझाइए कि क्या कोई सांसद जब अपने साथ कोई गेस्ट लेकर आता है बकायदा ही पूरा प्रोसीजर होता है? आते तो कोई भी आए थे डॉक्यूमेंट देके, लेकिन ये जो सामग्री कैसे लेके आ गए जूता के अंदर से, ये भी सोचने का विषय के आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए मेटल डिटेक्टर से, ऐसा कोई भी चीज हो जो पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर चिंता के विषय, जहाँ फोन भी नाले नहीं देते हैं तो इस प्रकार सामान आ गया, ये बड़ी चिंता के विषय है।
तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ पीला धुआं उठता हुआ, वहीं दूसरी तरफ अंदर लोकसभा की तस्वीरें भी। अमिताभ का रुख करेंगे। अमिताभ, को एक प्रोसीजर होता है बाकायदा लोकसभा के अंदर जाने का, दर्शक दीर्घा में भी बैठने का भी, भले ही कोई सांसद के साथ ही क्यों ना आया हो, वो प्रोसीजर हमें समझाइए और इतनी बड़ी चूक कैसे? देखिए, संसद के अंदर घुसने के लिए सबसे पहले तो एक आप, अगर आप दर्शक हैं, अगर आप वहाँ के स्टाफ नहीं हैं, अगर आप वहाँ के, अगर आप प्रेस से नहीं हैं, आपको किसी सांसद की अनुमति लेनी पड़ती है। सांसद अपने क्षेत्रों से, हर मैंने हमेशा देखा है, सांसद अपने क्षेत्र के लोगों को वहाँ दर्शन कराने, पार्लियामेंट घुमाने के लिए लाते हैं। 20-25 लोगों का एक जत्था होता है, कईयों के साथ हमेशा आते हैं, कब ऐसी घटना नहीं होती है। लेकिन अगर अगर कहा जा रहा है कि प्रताप सिंह के क्षेत्र से, लेकिन सबके आधार कार्ड लिए जाते हैं, सबको, सबका टेलीफोन नंबर लिया जाता है, सबका रेजिडेंशियल एड्रेस लिया जाता है, उसके बाद पास 24 घंटे के बाद मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप पहुँचे और आपको पास मिल गया। सांसद के हस्ताक्षर के बाद भी एक बार लोकसभा सिक्योरिटी उसकी चेक करती है, तब जाकर सीपीआईसी वहाँ से पास को इशू करती है। तो यह जाहिर सी बात है कि पास इशू करने के पहले सांसद को भी ये देखना पड़ेगा कि वो किसको अंदर भेज रहे हैं। और जहां तक पार्लियामेंट के अंदर घुसने की बात है, अगर ये घुसा है तो इसको सांसदों ने ही पकड़ाया। हनुमान बेनीवाल और मलूक नागर का नाम आ रहा है, जो दो सांसद थे जिन्होंने इन लोगों को पकड़ा है। और उस समय बीजेपी के जो मेरठ से सांसद हैं, वो स्पीकर की चेयर पर थे, राजेंद्र अग्रवाल, तो सांसदों ने ही इनको पकड़ा है। लेकिन यहाँ पर एक्शन और हरकत में आने वाली बात थी, वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की थी, जिनको मैदान में कूदना चाहिए था। कि मैंने पहले भी बताया कि जहाँ पे दर्शक दीर्घा होती है, जहाँ पे प्रेस गैलरी होती है, ऊपर जहाँ पे स्पीकर बैठते हैं, जहाँ सांसद बैठते हैं उनके ठीक ऊपर, और वो डिस्टेंस काफ़ी होता है, कूदना आसान नहीं है। पहले लोकसभा में था वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा डिस्टेंस अब की नई लोकसभा में है, दर्शक दीर्घा में और नीचे बैठने में। ऐसे आपको बिना हेडफोन लगाए आवाज़ तक नहीं आती, पहले आप नीचे की आवाज़ ऊपर प्रेस गैलरी से सुन लेते थे। तो अब ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी के पर्सनल सादी वर्दी में थे, जो भी सिक्योरिटी के पर्सनल, बिल्कुल अमिताभ जी, न सिर्फ वो जो दूरी है वो अब ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये जो संसद भवन है ये पहले से बड़ा है, तो वो दूरी न सिर्फ ज्यादा बढ़ गई है, जो सुरक्षा घेरा है वो भी तो पहले से और ज्यादा हो गया होगा। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल AK सिवात साहब मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं। सिवात जी, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे, सुरक्षा में चूक तो हुई है, लेकिन वो सुरक्षा घेरा होता कैसे है, कितना कड़ा वो सुरक्षा घेरा होता है, इसके बारे में आप बताइए। देखो, सच्चाई ये है कि मल्टी टीयर सिक्योरिटी का एक घेरा है पूरा संसद भवन में, आप लोकसभा और राज्यसभा में, और कम से कम 7 टीयर्स हैं जो कि क्रॉस करनी पड़ती हैं। जिस प्रकार से बताया जा रहा है, अगर कोई VIP गैलरी में आता है तो उसकी भी पहले के जो राज्यसभा या लोकसभा के जो MP हैं वो उसकी एक प्रकार से इन्विटेशन के लिए देते हैं, उसके बाद उनके नाम आते हैं, फिर उनकी चेकिंग होती है उनके नामों की पहले, और उसके बाद फिर उनकी फ्रिस्किंग होती है, और 3 स्टेज पे उनकी फ्रिस्किंग होती है, और उसके बाद उनको गैलरी के अंदर किया जाता है। और जो ये कार्रवाई आज हुई है तो वाकई इसमें कोई शक नहीं, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। ये किस प्रकार से सारी ये जो टीयर को क्रॉस करते हुए और ये जो अंदर घुस गए, और यही नहीं, ये एक प्रकार से जो VIP गैलरी थी, जो गेस्ट गैलरी, उसके अंदर आया और फिर उन्होंने जंप मार दिया, तो वाकई इसके अंदर काफ़ी चूक हुई। और ये समझना पड़ेगा क्योंकि आज देखो जो घटना पहले कई साल पहले हुई थी और वो एक ऐसा जो हुआ है आज, इससे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमें और अपने जो सिक्योरिटी प्रोसीजर है उसको रिफाइन करना पड़ेगा, इसके अंदर कमियाँ हैं, क्योंकि किस प्रकार से ये अंदर जंप मार जी। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई सोची समझी रणनीति के तहत ये किया गया है। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल चेयर पर थे, हालांकि जब वो वहां पर था, हनुमान बेनीवाल और मलूक नागर ने सबसे पहले उनको पकड़ा। अमित, क्योंकि हमारे साथ पार्लियामेंट के बाहर से मौजूद है, अमित, ये वाकया पेश आया है, जाहिर है अब पार्लियामेंट की सुरक्षा बढ़ानी भी शुरू हो गई होगी। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर में शख्स को पकड़ा गया है, पीला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से ये शख्स एक रो से दूसरी रो तक कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बाहर की तस्वीरें हैं, संसद के बाहर की तस्वीरें हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये संसद भवन के अंदर की तस्वीरें हैं, सदन के अंदर की तस्वीरें हैं, और वो पीला धुआं उठता हुआ भी यहाँ पर देखो अंकिता हमें दिखाई दे रहा है। सारे सांसद आप देखिए इधर उधर बैठे हुए हैं, अफरा तफरी का माहौल है, और बड़े सांसद जितने आप देखिए ये सभी खड़े हो
गए और धुआं, ये देखिए पीला धुआं भी आपको यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ भी हो सकता था, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, वाकया हो सकता था, ये गनीमत आप समझिए कि ऐसा कोई हादसा यहाँ पर घटित नहीं हुआ, लड़के को पकड़ लिया गया। लेकिन अब ये सदन के अंदर की जो तस्वीरें मिलनी शुरू हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आप देखिए कोई भी सांसद आपको बैठा हुआ नहीं दिखाई देगा, हर सांसद इस तस्वीर में खड़ा है, जो उसके पास है वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो दूर सांसद है वो भी वहां से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले हमने वो तस्वीरें दिखाई थी जब उसे पकड़कर बाहर ले जाया गया था और बाहर पीला धुआं उठता दिखाई दे रहा था, लेकिन अमूमन माना यह जा रहा है कि इस वक्त वो यहां पर मौजूद होगा क्योंकि धुआं जो है उसकी डेंसिटी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो सकता था अगर संसद चल रही होती। हालांकि जीरो आर था, सीधा रुख करेंगे अमित पांडे का हमारे साथ। अमित, जब इस तरह का वाकया पेश आया है, ऊपर से संसद भवन पर हमले की बरसी आज है, जाहिर है वहां की सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही होगी। सर इधर से निकल जाइए सर, इधर। जी बिल्कुल, और न्यूज 18 इंडिया पर ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, यहाँ पर संसद भवन के ठीक सामने इस वाकये के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंच गए हैं और एकाएक इस परिसर पे जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। जितने जो आला अधिकारी हैं उनका दिल्ली पुलिस का उनका संसद भवन के सामने चक्कर लगना शुरू हो गया। आखिरकार ये कैसे हुई घटना, मॉनिटर सारी सिचुएशन की जा रही है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर ये हैं, आप यह पूरा सुरक्षा का घेरा देखिए। पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जवान है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं, अर्धसैनिक बलों के लोग हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के लोग हैं। और देखिए किस तरीके से पूरे सिचुएशन को एनालाइज किया जा रहा है, सुरक्षा का आकलन किया जा रहा है कि आखिरकार कैसे जो है वो शख्स दाखिल हुआ। और ये तस्वीर आप देखिए यहाँ पर इस तरीके का जो कलर स्मोक, ये पियर स्मोक है वो उसको इस्तेमाल किया गया था, ये पीले रंग का स्मोक है, फ्लोरोसेंट येलो कलर का है। और ठीक अगर इसके कुछ दूर अगर हमारे कैमरा पर्सन नीरज तिवारी यहाँ पर दिखाते हैं तो ये लाल रंग का टियर स्मोक है। इसका मतलब कि अभी तक जो हमारे कैमरे ने तस्वीरें कैद की है, लाल रंग का जो धुआं है और पीले रंग का धुआं, दो धुएं के एक स्प्रे नामक चीज लाए थे। देखिए ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर, अब इस तरीके के मच हो, इस तरीके के चीजों को यहाँ पर वो कलर स्मोक, इस पर लिखा है कलर स्मोक। ये न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, क्रिएटिव कलर स्मोक टाइप, कलर स्मोक थ्री कलर येलो, ये पीले रंग का स्मोक है। अब हमारे दिखाने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर लगातार चर्चा लगा रही है और ये एक बहुत अहम एविडेंस दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पर हो सकता है और इस तरीके की गतिविधियाँ यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक इस तरीके का जो फ्लोरोसेंट येलो है, अब यहाँ पर आप कलर देखिए, ये फ्लोरोसेंट रेड, फ्लोरोसेंट रेड, इसका मतलब कि अपना मार्क यह दिखाना चाहते थे जो लोग अंदर एंटर करना चाहते थे संसद भवन की, ठीक इस जो एंट्रेंस है इस एंट्रेंस के सामने उन्होंने स्प्रे किया फिर यहाँ पर एंटर किए। अब इसके बाद ये गतिविधियाँ देखिए, ये दिल्ली पुलिस के लोग हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं और जो भी एहतियात के तुरंत सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हैं वो पुख्ता करने शुरू कर दिए गए। देखिए न्यूज 18 इंडिया पर जैसे ही ये विजुअल्स दिखाए गए हैं अब यहाँ पर लोगों का जो है वो जमावड़ा यहाँ पर शुरू हो गया, अब अन्य मीडिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक एक देखिए न्यूज 18 इंडिया पर अब दिखाने के बाद अब दिल्ली पुलिस इस एविडेंस को, इस चीज को यहाँ पर अब वो ले जा रही है। सबसे पहले हमने यहाँ पर दिखाया था, सर ये क्या है? सर मुझे नहीं पता इस बात का, मैं अच्छा तो इस तरीके से देखिए अब न्यूज 18 इंडिया ने इसको दिखाया। उसके बाद सर आप सांसद, अब क्या हुआ था अंदर? गैलरी से कूद के कुछ लोग वहाँ पर और उनके कुछ धुआं निकला था, बाकी उनको उसी टाइम पकड़ लिया गया, कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। अपना परिचय देंगे सर? मैं महेश सुखरामाणी हूँ उल्लासनगर से, मैं विजिटर था लेकिन हमारे सांसद शंकर लालवाणी पूरी टीम वहाँ पर थी। अच्छा आप भी वहाँ थे, मौजूद थे? मैं संसद के बाहर मतलब अंदर में हाउस में नहीं था लेकिन मैं बाहर था। तो ये अपने उस सांसद के सहयोगी थे, लेकिन सबसे बड़ी हलचल यहाँ पर ये है कि न्यूज 18 इंडिया पर वो कलर टियर स्मोक दिखाए थे और अब उसके बाद जांच कर रही एजेंसियों ने उसका संज्ञान लिया है और इसके बाद वो अपनी जो कार्रवाई है वो शुरू की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए बहुत अहम है, अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती ठीक संसद भवन के सामने वाले बारीक कक्ष पर रोड पर यहाँ पर कर दी गई, मतलब कि इस जो इंटीरियर एरिया है हाईली सिक्योर्ड एरिया है। अब इस इंसिडेंट के सामने आने के बाद अब अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर तैनाती हुई, मतलब कि बेहद गंभीरता से यहाँ पर लगातार रवि भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, जहाँ पर लोगों को हिरासत में, दो लोगों को हिरासत में लिया गया, वहां से हमारे सहयोगी रवि लाइव मौजूद है। रवि आप क्या तस्वीर दिखाने वाले हैं?
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2001 में एक बड़ा हमला हुआ था पार्लियामेंट, और आज ही के दिन एक बड़ी सुरक्षा में चूक मानी जा रही है पार्लियामेंट के अंदर, वो भी लोकसभा की कार्रवाई उस समय चल रही थी और उस दौरान दो लोग विजिटर गैलरी से दर्शक दीर्घा से अचानक कूद जाते हैं और पार्लियामेंट कार्यवाही के दौरान ही वो सांसदों के पास पहुंच